बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग विद समन। में तो आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं इजीएस्ट छोला पुलाव। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं इजीएस्ट छोला पुलाव। तो मैंने कुकर लिया है, कुकर में मैंने डाला है 4 टेबल स्पून ऑयल। इसमें हम डालेंगे होल गरम मसाले ऑयल के गरम होने के बाद में। तो देखिए ऑयल गरम हो गया है, दालचीनी का टुकड़ा डाला है मैंने, 2 तेज़पत्ता डाला है, 2 बड़ी इलायचियाँ, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च और ज़ीरा। इसके बाद हम डाल देंगे फ़ौरन इसमें अनियन। अनियन को ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, अनियन को सिर्फ हमें लाइट पिंक करना है और इसको सॉफ्ट करना है बस। बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बन जाती है, जब भी आपका खाना बनाने का मन नहीं है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, 15 मिनट के अंदर रेडी हो जाती है। तो देखिए अनियन सॉफ्ट हो जाने के बाद में इसमें हम थोड़े से और इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे टमाटर और ग्रीन चिलीज, इनको 1 मिनट के लिए पकाएंगे बस। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। बहुत ही कम सामान के साथ ये रेसिपी हमारी रेडी हो जाती है। देखिए 2 मिनट मैंने पकाया इसको। इसके बाद में मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून बिरयानी मसाला और 1 टीस्पून गरम मसाला। इसको भूनेंगे, इसके बाद हम इसमें छोले ऐड कर देंगे। छोलों को मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने इसमें 1 सीटी लगा दी थी, तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, थोड़े से ये राइस के साथ पक जाएंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो बिना बॉइल्ड किए भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ सॉक कर लें 4-5 घंटे, उसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने राइस ऐड कर दिए। यहाँ पर देखिए राइस मैंने लिए थे 1.5 ग्लास, तो उसको मैंने 10-15 मिनट के लिए भिगो दिया था। जिस ग्लास से हमने राइस लिया उसी ग्लास से हम इसमें पानी डालेंगे। 3 ग्लास मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है डबल। आप अपने राइस के हिसाब से देख लें कि आपके राइस में कितना पानी जाता है, उस हिसाब से डालिएगा। ये देखिए इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, टेस्ट कर लें आप सॉल्ट डालने के बाद, ज़रूरत हो तो और डाल दें। इसके बाद हम डालेंगे विनेगर 1 टीस्पून, इससे हमारे राइस जो हैं वो टूटेंगे नहीं। इसके बाद हम इसमें 2 सीटी लगा लेंगे, उसके बाद हमारा पुलाव एकदम से रेडी हो जाएगा खाने के लिए। रायते के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होता है। 2 सीटी मैंने लगा ली हैं, ये देखिए पुलाव कितना अच्छा बन के तैयार हो गया। बड़ी इलायची का इसमें इतना अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी लगती है बड़ी इलायची का फ्लेवर इसमें। तो देखिए ज़रूर बनाइएगा, जब भी आपका खाना बनाने का मन नहीं है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी है आपको ये। छोले की जगह अगर आपके पास छोले नहीं हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं चने की दाल, उसको भी 4-5 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दें आप, उसके बाद इसको यूज़ कर लें। उसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ ऐसे ही। और या फिर आप जो खड़ी मसूर की दाल होती है काली वाली, वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी दाल यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। तो इसी तरह से बनाइएगा रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड बताइएगा मुझे कि कैसी बनी आपकी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी इस वीडियो को एंड शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की जल्दी से झटपट से बन जाने वाली रेसिपी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखिएगा अपना।